और सूखने दीजिएगा जब तक ये खुद से सूखता नहीं है। देख सकते हो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप खुद यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल से आप किस तरह से फेशियल कर सकते हैं, और ये जो फेशियल होगा ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, खासकर जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, दाग धब्बे चेहरे पे बहुत ज्यादा है, तो वो लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो ये देखिए मेरे पास है ये मूंग दाल। आप मूंग दाल को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, और मूंग दाल जो है ना पोषक तत्वों का भंडार है, प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमें बढ़ती उम्र के साथ ज़रूरत होती है। जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना तो स्किन से प्रोटीन कम होने लगता है, तो हमें उसे अपनी स्किन में ऐड करना चाहिए अगर आप अपनी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखना चाहते हो। तो मतलब टाइम से पहले आपको फाइन लाइंस, झुर्रियां, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे बच्चों की स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम यंग होती है, मतलब एकदम साफ सुथरी होती है, क्योंकि उनकी स्किन में कोलेजन, ये प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमें एडिशनली ये चीज़ अपनी स्किन में ऐड करनी पड़ती है। तो देखिए ये तो है जी पाउडर, आप इस तरह से भी इस फेशियल को कर सकते हैं। मूंग दाल ली आपने, उसको मिक्सर जार में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो अगर आपको ध्यान है रात को ही अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो मूंग दाल लेनी है आपने 3 से 4 चम्मच, उसको भिगो देना है आपने पानी में, और सुबह वो फूल के बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर उसमें थोड़ा सा आपने दूध ऐड करना है, और फिर उसे मिक्सर जार में पीस लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अगर इस तरह से आप बनाते हो तो एक तो ये सॉफ्ट होगी और यूज़ करने में भी इजी हो जाएगी, अच्छे फायदे मिलेंगे आपको। बाकी अगर आप इंस्टेंट तरीका रात को भूल गए हो, नहीं याद रहा है, तो आप इस तरह से मूंग दाल को लेकर के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से ये फेशियल करना है। सबसे पहले तो कोई भी फेशियल क्लीन अप करने से पहले हमें अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, मतलब फेस वॉश तो आपने करना ही करना है। उसके बाद हम अपनी स्किन को बिल्कुल एकदम क्लीन करेंगे क्लेंजर की मदद से। तो कच्चे दूध से बढ़िया क्लेंजर और मुझे कोई भी नहीं लगता, तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं। ये देखिए दूध को मैंने जब सुबह मॉर्निंग में आया था तो थोड़ा सा अपने लिए बचा करके फ्रिज में रख दिया था, तो और ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। फिर आपको लेनी है इस तरह से कॉटन, और कॉटन को दूध में इस तरह से डिप कर लीजिए और इसे टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाइए, और फिर सारी स्किन को अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेना। अगर आपको टैनिंग की समस्या है तो आपने पहले अपनी उंगली को दूध से ही थोड़ा सा गीला करना है, इतना सा टच करना है, बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा नमक इसमें ऐड कर लेना है, तो ये टैनिंग की समस्या के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आपने लेना है, अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है, एंड इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होगा स्क्रबिंग का। तो स्क्रब करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये बाउल ले लिया, और इसमें जो मूंग दाल हमने यहाँ पे पीस करके तैयार की थी तो वहाँ से 1 चम्मच के करीब ले लेंगे हम मूंग दाल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये होने वाला है। अब इसमें देखिए हमने ऐड करना है शहद, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शहद आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है, सपल बना देता है, और आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। तो ये लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको ऐड कर लेना है इसमें शहद, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है बादाम ऑयल। अगर आपके पास ये स्वीट आलमंड ऑयल है, अगर आपके पास ना हो तो अगर आपके पास इस तरह के कैप्सूल्स हैं विटामिन ई के, तो 2 कैप्सूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा तो वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बादाम ऑयल ऐड कर रही हूँ, एंड इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है कच्चा दूध, क्योंकि हमने इस पेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइट सा नहीं बनाना है, एकदम लिक्विडी सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ भी बहुत ज़्यादा ना लिक्विड और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। और फिर हमने क्या करना है कि इस तरह से लेकर के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है इससे अपने चेहरे पे। इस तरह से मसाज करने से जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड व्हाइटेड की, जहाँ पे जैसे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हमें समस्या हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरह से रब करना है। तो अच्छी तरह से इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगभग 2 से 3 मिनट तक आप इसे यूज़ कीजिए, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए, फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। चेहरा मैंने धो लिया है, स्किन एकदम क्लीन हो गई है, साफ सुथरी हो गई है,
और जितनी भी चेहरे से डेड स्किन है, ब्लैकहेड, व्हाइट हेड है, वो सारे आपके रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हम स्किन को करेंगे बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज। उसके लिए बनाएंगे मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बाउल, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के जितना मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एंड इसके बाद इसमें हमने ऐड करना है, आप चाहें तो विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं अगर है आपके पास अवेलेबल है, नहीं हो तो आप इस तरह से बादाम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप ऐड कीजिएगा। एंड थर्ड जो चीज़ आपको इसमें ऐड करेंगे वो है शहद, और शहद के हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हमारी स्किन को ये यंग और टाइट बनाए रखता है, मसाज करने से भी हमारी स्किन टाइट बनती है। तो इस तरह से हम इसमें लगभग 4-5 बूंदों के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं आपको लेना है शहद, क्योंकि इसे पहले भी हमने यूज़ किया है, लेकिन मसाज क्रीम में इसे ऐड करने से आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही थोड़ा सा, ये देखिए बस इतना सा हमने इसमें दूध ऐड किया, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ये बिल्कुल एकदम सीरम की तरह बन जाएगा। बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं आपको बनाना है, ये देखिए कुछ इस तरह का, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है ये दूध ऐड करने की वजह से। तो इस तरह से सीरम की कंसिस्टेंसी में जब हमारी क्रीम कोई भी बन के रेडी होती है तो वो आपकी स्किन में बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट होती है, डीपली आपकी स्किन के अंदर जाती है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तभी तो आपने सुना ही होगा कि सीरम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी, मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो इस तरह से यूज़ करने के बाद अब आपको अच्छी तरह से मसाज करना है, इससे आपके अपने चेहरे पे बहुत ही बढ़िया तरह से लगभग 4-5 मिनट के लिए आपने ये काम करना है, क्योंकि जितना हम अपने चेहरे पे मसाज करेंगे तो हमारी स्किन यंग बनेगी, टाइट बनेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं तो मैं आपको सिंपल सा उपाय बताती हूँ, बस इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, बस नीचे की तरफ को आपकी स्किन यूं करके नहीं करना है, बस इस तरह से अपलिफ्ट करना है। तो इस तरह से आप अपने आईब्रो को भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स को कवर कर सकते हैं, यहाँ यहाँ हमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं यहाँ यहाँ, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से यहाँ पर भी मसाज कर सकते हो। इस तरह से लगभग 5-7 मिनट के लिए आपने ये काम करना है, फिर इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बहुत ही ईजिली आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे तो मसाज करके भी अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर आपने मसाज नहीं की है, ये अब्जॉर्ब नहीं हुआ है अच्छी तरह से, तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तब तक चलिए बना लेते हैं फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए जो ये मैंने स्क्रब बनाया था ना, तो मैं वही वाली कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर इसमें बचा भी है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये जो मूंग दाल हमने बनाई थी तो यही ऐड कर लेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें मूंग दाल ऐड कर लेंगे, और इसे एक बढ़िया फेस पैक, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना फेस पैक एकदम जैसे क्रीम की तरह होते हैं, तो वो वाला टेक्सचर लाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए, इंस्टेंट निखार अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मुल्तानी सबसे बेस्ट चीज़ है, और साथ में ये क्ले है तो ये आपके फेस पैक को मतलब बिल्कुल वैसे मार्केट वाला फेस पैक बना देगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब ले लेनी है मुल्तानी मिट्टी, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करने वाली हूँ, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी जो हमने मसाज क्रीम बनाई है तो वो भी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है वो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपको ऐड करनी है। अगर आपको पिम्पल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, पिंपल्स को क्योर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, साथ ही आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, चुटकी भरी ऐड करनी है, और फिर आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करना है कच्चा दूध इसमें, और थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है ताकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट आपका ना बन जाए, आपको बिल्कुल थिक पेस्ट बनाना है जो कि आपकी स्किन पर बहुत ईजिली लग सके। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, और आपका जो फेस पैक है ना वो बनके रेडी हो जाता है। मूंग दाल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, मूंग दाल के बेनिफिट्स आप सबको पता ही होगा, आप गूगल कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और अगर आपकी बहुत जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो झाइयाँ दाग धब्बे हमारे फेस पे
हो जाते हैं और हटने का नाम नहीं लेते, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो अब इसे आप अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इस तरह से लगा लीजिए और सूखने दीजिएगा जब तक ये खुद से सूखता नहीं है। फिर सूखने के बाद फिर आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। फेस वॉश मैंने कर लिया और रिज़ल्ट आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप खुद यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। बाकी इसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मेरे पास ये थोड़ी सी क्रीम बची थी तो मैं यही लगा रही हूँ। बाकी जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं आप वो लगा सकते हैं। और एक बात की अगर रात को सोने से पहले ही आप काम आप करते हो ना तो और भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसे यूज़ करने के बाद लगभग 4-5 घंटे तो साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, नॉलेजेबल लग रहे हों, अच्छे लग रहे हों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।